So hey guys, welcome back. This is Durgesh Dubey and today we are going to discuss one of the very interesting topic that can be very useful for you as well. Yes, the one who watching this video, and make sure you don't skip this video in between, because अगर आप किसी भी वीडियो को किसी भी पॉइंट को अगर आप स्किप करोगे तो आप बहुत कुछ ऐसा मिस कर दोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. क्या आपको पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना इंक्रीज हुआ है? इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 26% इंक्रीज हुआ है इंडिया में ये अप्रैल के मंथ में. और 26% कितना होता है? ये बहुत ज्यादा होता है. अगर आप पूरे पॉपुलेशन को देखोगे तो इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन है, उसकी अगर आप 26% निकालोगे तो इस अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ to 35 करोड़, इसका मतलब 33 करोड़ की जॉब जा चुकी है. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना क्राइसिस की वजह से. और हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या आपको पता है पूरे इंडिया में इस वक्त कोरोना के केसेस कितने हो चुके हैं? इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 256,611. अगर हम बात करेंगे डेथ रेट की तो डेथ रेट कितना हुआ इंडिया में? इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 7,200. अगर हम रिकवरी रेट की बात करेंगे इट्स 1,24,094. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 50% रिकवरी रेट इंडिया में है और 0.3% डेथ रेट है. अगर हम पूरे वर्ल्ड की देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना के कितने केसेस हैं? इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 70,09,650. And the death rate due to corona in the whole world is 4,02,708. और recovery rate पूरे world की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 31,40,721. ये पूरे world की बात कर रहे हैं. और हम देखेंगे इससे employment पे कितना असर हुआ है, जो कि इसके वजह से lockdown हुआ है और लोग घर में बैठे हैं तो कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, और in future क्या इसका solution है और इसका क्या आपको impact देखने को मिलेगा. चलिए हम पूरी वीडियो को देखते हैं. आप पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा. सो लेट्स विल टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रिसेशन इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू CMI रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज राइजेस अप टू 6% टू 26% आफ्टर लॉकडाउन इन इंडिया. मतलब ये जो अप्रैल के मंथ है, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% था, 6% था, 8% था. अब ड्रास्टिकली चेंज आया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर. और एक इकोनॉमिक्स के टाइम की एक रिपोर्ट के हिसाब से 27 मिलियन यूथ इन द एज ग्रुप बिटवीन 20 टू 30 लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर लॉकडाउन. मतलब कि 2,70,00,000 जो कि यूथ पॉपुलेशन है इंडिया की इन द एज ग्रुप बिटवीन 20 इयर्स टू 30 इयर्स, इन्होंने अपनी जॉब गवा बैठी है. ये जॉब जा चुकी है इनकी क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन में बहुत सारे कंपनीज ऐसा कर रहे हैं कि अपना कंपनी सेट कर रहे हैं और शटडाउन हो रहा है, तो बहुत कुछ ऐसे क्राइसिस हमें देखने मिलते हैं. और तो ये एंड नहीं है. अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द न्यूज 18 वेबसाइट इज सेइंग दैट इंडिया में पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक्स अनवेल, मतलब कि 13.6 करोड़ की जॉब और जा सकती है आफ्टर लॉकडाउन. अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही एक्सटेंड हुआ अक्टूबर तक, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा इम्पैक्टफुल होने वाला है कोरोना की वजह से. अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो अक्टूबर तक बहुत एक बहुत सी वियर्ड सिचुएशन आप इंडिया में देख सकते हो, और बहुत ही ज्यादा क्राइसिस रेस हो जाएंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर एक क्लास के लोगों को फेस करने की जरूरत पड़ सकती है. क्या आप जानते हो ये जितने भी अनएम्प्लॉयड है, मान लो कि 20 करोड़ लोग जितने भी अभी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इंडिया में, अगर ये लोग अब क्या करेंगे कि ये अपना सामान कम बहुत कुछ लिमिट में करेंगे. लोग मार्केट में से कोई भी लग्जरियस आइटम्स खरीदने से पहले कुछ भी कपड़े, जूते, जितने भी चीज हैं जो डेली नीड्स में रिक्वायर्ड होते हैं, लोग एक्स्ट्रा बाय करके रखते हैं. इसके वजह से जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो रहा था, पर अब लोग हर एक चीज लिमिट में करेंगे. जब एक साथ 20 करोड़ पॉपुलेशन किसी चीज को अगर लिमिट में करने लगे तो इसके वजह से क्या होगा कि जब इंडस्ट्रीज जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को भी लिमिट में प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उनके वो अपना प्रॉफिट देखते हुए और प्रोडक्ट जो चीज लिमिट में प्रोड्यूस करेगी उसके प्राइस इंक्रीज करेगी. जब वो अपने प्राइस इंक्रीज करेगी तो और भी लोग उसे उस प्रोडक्ट को थोड़ा कम यूज करेंगे. प्रोडक्ट कम यूज होगा, मार्केट से सामान कम खरीदा जाएगा, तो उसके वजह से इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आएगा. तो ये सारी चीजों को देखते हुए इन फ्यूचर देयर इज अ चांसेस कि हमें रिसेशन फेस करना पड़ सकता है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो हम सब जानते हैं कि चाइना को हम बहुत हिट करते हैं, चाइना बहुत खराब कंट्री है, चाइना ने कोरोना फैलाया, चाइना अटैक कर रहा है, चाइना बॉर्डर अटैक कर रहा है, डिस्प्यूट्स अटैक कर रहा है, बहुत कुछ अटैक हो रहा है. मतलब चाइना तो एकदम फालतू कंट्री है, वहां पे देखना नहीं हो चाइना को. मतलब मौका मिले तो चाइना में जाके किसी को मार देना, ऐसा इंडियन की, ऐसा मतलब बहुत लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है इस कोरोना की वजह से, राइट? बट चाइना से ऐसा बहुत कुछ है सीखने के लिए. मैं चाइना की यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चाइना की सपोर्ट में नहीं कह रहा हूँ, बट आपको ये पॉइंट को ध्यान से सुनना होगा और आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें क्या रीजन्स मैं बताने जा रहा हूँ.
इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज, राइट। अगर आप देखोगे तो चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली, चाइना इज द फर्स्ट रैंक होल्डर। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो चाइना एकदम टॉप पे आता है और इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। फिर भी चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप जानते हो कितना है, चाइना अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2020 में 4.3% है, और जो कि प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि वो कुछ टाइम पे 3.8% पे भी आ सकता है। दैट्स द रीजन चाइना हैज मोर मैन पावर एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इन द फील्ड, इन द टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एज द वर्कर, राइट। पूरे वर्ल्ड में चाइना के पास बहुत एक बड़ी मैन पावर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रही, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है अलग अलग फील्ड के लिए, एक अलग अलग ब्रांचेस में, राइट। और यही रीजन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्पीड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज चाइना इज मोर इफेक्टिव। चाइना बहुत जल्दी कोई भी चीज को डिलीवर करता है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम कॉस्ट में, और प्रोडक्ट वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही मैन पावर है और वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं उस मैन पावर को जो कि उनके पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में है। सो दैट्स द रीजन चाइना इज द फास्टेस्ट इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इन द फील्ड ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। यही रीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के लोग चाइना से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्द और कम कॉस्ट में आपको मैन्युफैक्चर भी करेंगे और आप तक डिलीवरी भी कर देंगे, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर आप मान लो व्हीलचेयर ऑर्डर कर रहे हो, अगर आपने, आप एक बिजनेसमैन हो और आपने कहीं से ऑर्डर लिया है किसी हॉस्पिटल के थ्रू कि आपको वहां पे 50 व्हीलचेयर पहुंचाने, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया में ऑर्डर करोगे या तो चाइना में किसी मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करोगे। अगर आप चाइना से ऑर्डर करोगे आपको वहां पे एक अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली व्हीलचेयर आपको 50 रुपए में इंडिया में आपको डिलीवर कर देंगे 40 दिनों में। अगर आप वही चीज इंडिया में ऑर्डर करोगे तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी, बिना किसी अच्छी टेक्नोलॉजी के नॉर्मल सी व्हीलचेयर वो मैन्युफैक्चर करेंगे 50 दिनों में और आप तक पहुंचाएंगे, और वही चीज का कॉस्ट 100 रुपए लेगा और चाइना उसी चीज का कॉस्ट 50 रुपए लेगा, और जो कि बहुत ही इफेक्टिव चाइना इस वक्त है क्योंकि वो बहुत जल्दी डिलीवरी करता है, बहुत जल्दी सप्लाई भी कर देता है और मैन्युफैक्चर भी बहुत जल्दी करता है। तो यही सारी कारण है कि चाइना हमसे आगे। तो यहाँ पे ये रीजन है कि चाइना कितना आगे है, इंडिया कितना पीछे है। हम बात करते हैं इंडिया की। अगर इंडिया में अगर यही चीज एक लार्ज स्केल पे बहुत सारे वेरियस कंपनीज, वेरियस इंडस्ट्रीज ओपन होती है और बहुत लार्ज स्केल पे वो गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है और मैन्युफैक्चर बहुत स्पीड करेगी और कम कॉस्ट में अगर स्टार्ट करती है और पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी उसको ट्रांसपोर्ट करो, एक बहुत जल्द अगर स्पीड इंक्रीज कर दी थोड़ी सी, मैन पावर थोड़े अगर आप बढ़ा लो प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखोगे कि जो एक आपको जानते कि विवेक बिंद्रा प्रॉपर एक इकोसिस्टम समझाते रहते हैं कि अगर उनको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बिजनेस को ग्रोथ करना है। तो अगर आप इंडस्ट्रीज को अगर आप इंक्रीज करोगे, वहां पे मैन पावर प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर दोगे और एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दोगे जहां पे एक प्रॉपर डायरेक्शन में एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, इंडिया की स्पीड भी बढ़ेगी, ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा आएंगे, आप पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी अपने बिजनेस स्प्रेड कर सकते हो बहुत जल्द। क्योंकि बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम टू मेजर फैक्टर्स होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड, दूसरा सप्लाई स्पीड। अगर आप किसी कस्टमर को बहुत जल्द मैन्युफैक्चर के कोई चीज उनकी नीड को फुलफिल कर देते हो तो यू कैन बी द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन योर इंडस्ट्री, इन योर फील्ड। तो ये सब बात हो गई कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सो ये सब क्यों हुआ है? ये सब कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। कोरोना वायरस, COVID-19 की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स इंडिया में इस वक्त एक साथ आ चुकी है। तो इसका अगर हमें इसे डर के रहना चाहिए कि हम कोरोना वायरस से हर टाइम डर के घर में बैठे रहे कि हमें बाहर नहीं निकलना, हमें कुछ करना नहीं है, हम अपना काम धंधा सब बंद करके छोड़ दे, लॉकडाउन में बैठ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। इसका सॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं है, इसका सॉल्यूशन कुछ और है। मैंने एक कुछ टाइम पहले आपसे एक बात की थी हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी किस पॉइंट पे मैंने बात किया था कि इंडिया में, इंडिया जो बॉडीज, इंडियन बॉडीज जो भी है, जितने भी है लोग, इनके पास एक हर्ड इम्यूनिटी लेवल को अचीव कर लिया है जहां, जिसके वजह से इंडिया में 0.3% केसेस आ रहे हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करो तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ रेट जो इंक्रीज हुआ बहुत सारी जगह, सबसे कम डेथ रेट अगर आप देखोगे तो इंडिया की है 0.3%। टोटल केसेस में से सिर्फ 0.3% लोगों की डेथ हुई है, ये नॉर्मल बात है। सो यहाँ पे न्यूज चैनल वाले क्या करें, आप देख रहे हो हर दिन ओपन कर रहे न्यूज चैनल और आपको बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है कि आज 10,000 केस बढ़ गए, आज 9,000 केस बढ़ गए, आज 5,000 केस बढ़ गए, आज ये स्टेट में इतनी ज्यादा डेथ हो गई है, इतनी ज्यादा आप क्योर वाले तो बहुत कम दिखाते मेरे को लग रहा है। आप देखोगे तो 1,24,000 लोग क्योर हुए हैं, पर दिखाया क्या जा रहा है, इतने ज्यादा केसेस आ चुके हैं, ये तो आने ही, ये लाजमी है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करो तो इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, इस अराउंड में हमने हर्ड इम्यूनिटी वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत डिटेल समझ में आ जाएगी कितनी रेट अभी भी है इंडिया में। अब बात ये आती है कि इंडिया में सबसे कम डेथ रेट 0.3% कोरोना की वजह से इंडिया में है। तो और
तो इससे डर के बैठ जाए तो क्या करें, हम डर जाए? नहीं। अगर आप देखोगे, हम एक कुछ और एग्जांपल्स को देख सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां पहले भी थी जिसके वजह से डेथ रेट हो ही रहा था। इंडिया में बहुत सारे मेजर फैक्टर्स, अगर आप रोड एक्सीडेंट की बात करो, हर दिन तो रोड एक्सीडेंट होते रहते, पूरे इंडिया में अराउंड 1 लाख डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। अगर यही चीज आप रोज न्यूज चैनल्स में देखने लगो कि न्यूज चैनल दिखाने लगे कि रोड एक्सीडेंट में आज 10 लोगों की मौत, रोज एक्सीडेंट में आज महाराष्ट्र में ये हुआ, राजस्थान में ये, एमपी में ये, आज इतने एक्सीडेंट हो चुके, आज यहाँ पे 20 एक्सीडेंट, यहाँ पे 100 एक्सीडेंट, यहाँ पे 50 एक्सीडेंट, टोटल 1 लाख एक्सीडेंट इंडिया में होते रहते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, इतनी जाने जाती है, तो क्या करें? हम रोड पे जाना बंद कर दे, रोड पे ना निकले, इससे डर के घर में बैठ जाए और कुछ काम नहीं करे। भाई अभी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हमें घर पे रहना चाहिए, हमें कॉलेज नहीं जाना चाहिए, हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए, हमें जॉब पे नहीं जाना चाहिए, राइट? अगर आप बात करोगे डेथ रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के एक साल में कितना डेथ है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता चला है कि 4.4 लाख डेथ रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस 2018 में हुआ था इसका, और पर मंथ पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से 29% इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, मतलब टीबी की वजह से 29% डेथ हुई थी, और पूरे वर्ल्ड में 1.5 मिलियन डेथ होती है और 29% सिर्फ इंडिया में हुआ था। इंडिया इज फीचर अमॉन्ग द टॉप 8 कंट्रीज इन द डेथ रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। और ऐसे भी बहुत सारी बीमारी है जिसकी वजह से डेथ रेट इंक्रीज होते रहता है, मतलब बहुत सारी, अगर आप न्यूज चैनल में हमेशा देखने लगे, और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पर मंथ 1200 लोगों की डेथ होती है पर मंथ इंडिया में। अगर यही चीज अगर आपको न्यूज चैनल में दिखाने लगे कि हाँ डेथ रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस इज 1200, आज 200 की डेथ यहाँ पे हो गई, 200 की यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, अब तो आप बोलोगे ट्यूबरक्लोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है और ये फैल नहीं रही। हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारी बीमारी की वजह से डेथ रेट होती रहती है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ बढ़ते रहता है इंडिया में। हाँ मैं मानता हूँ ये जो कोरोना वायरस है टच करने से फैल रहा है, लोगों को आसपास अगर लोग मिल रहे, जुल रहे, सोशल हो रहे, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, इसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप लॉकडाउन में घर में बैठ जाओ, इसका अलग सॉल्यूशन है, जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात की, आप वो वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको मिस मत करना। और ये जो हर्ड इम्यूनिटी लेवल अचीव हो चुका है इंडिया में, इसकी वजह से डेथ रेट कम है और ये टच करने से फैल रहा है, पर इसे डरने की कोई बात नहीं है, इससे आपको अवेयर रहना है, प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है बस। न्यूज चैनल को वालों को भी क्या करना चाहिए, अगर आप दिन भर यही चीज देखते रहोगे नेगेटिविटी, आज यहाँ पे इतने केसेस, यहाँ पे इतने केसेस, तो आपके दिमाग में भी वही आ जाएगा कि अब डर बैठ जाएगा। आपको डरता नहीं है आपको, बल्कि इससे सिर्फ सेफली रहना है और प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेते रहना है। तो डरने वाली तो कोई बात है नहीं कोरोना की वजह से, आप डर के तो बैठ नहीं सकते, आप अपने काम नॉर्मली करो, बस सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो और अपने आप को सेफ रखने के ट्राई करो। आप अपने आप को जितना हेल्दी रखोगे उतने ज्यादा फिट रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला कोरोना की वजह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जितना ज्यादा इस वीडियो को हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपको जानते होंगे इंटरनेट इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वेपन है जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, राइट? इंटरनेट इज वेरी यूजफुल। आप जितना ज्यादा इंटरनेट पे शेयर करेंगे, आप जितना ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, आपकी जितने भी फेसबुक ग्रुप है, हर जगह इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, अगर आप वीडियो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे और बहुत ही सारे बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको डिलीवर होते रहेगा। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।